अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम लोग तर्री बनाएंगे। तर्री बनाने के लिए मैंने यहाँ स्प्राउटेड मोट लिए हैं 200 ग्राम, एक बड़ा प्याज लिया है, टमाटर लिया है, 15-20 लहसुन की कलियां और अदरक लिया है, बेसन लिया है 1 चम्मच, लाल सूखी मिर्च और 1 तेज पत्ता और सारे मसाले लिए हैं। अब हम लोग तर्री बनाएंगे तो मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। इसमें हम लोग डालेंगे राई, जीरा, हींग, 2 लाल सूखी मिर्च, 1 तेज पत्ता, प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बेसन लिया है हमने, बेसन से तर्री थिक बनती है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। टमाटर डालेंगे, टमाटर को अच्छी तरह स्मैश होने देना है, इसे 2 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब सारे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला 2 टीस्पून, 1 से 1.5 मिनट तक मसाले को पकाना है। मसाले को तब तक पकाना है जब तक तेल मसालों से सेपरेट ना हो जाए। अब इस स्टेज पे इसमें हम लोग स्प्राउटेड मोट्स डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेटली 2 ग्लास जितना पानी डाला है। अब आपको इस तर्री को 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। अब ये बॉईल हो चुकी है। अब समोसे के लिए आटा गूंदेंगे। हमने यहाँ 4 कटोरी मैदा लिया है, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ ही में ऐड करेंगे ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है और इसका सेमी सॉफ्ट डो गूंदना है और इस पे ऑयल डाल के अच्छी तरह इसको मस लेंगे। ये वाला स्टेप भी बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छी तरह आप आटे को मस लेंगे उतने ही अच्छे आपके समोसे बनेंगे। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। हम लोग समोसे के लिए फिलिंग रेडी करेंगे तो मैंने यहाँ हरे मटर को ब्लांच करके मिक्सी में इसको दरदरा पीस लिया है और इसमें हम लोग बॉइल्ड पटेटोज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 पटेटोज लेके उसको स्मैश कर लिया है। इसमें जितनी क्वांटिटी के पटेटोज है उतनी ही क्वांटिटी के हरे मटर भी लेना है। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है, मैंने यहाँ 10 से 12 हरी मिर्च ली है और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हरा धनिया लिया है 1 कटोरी, शुगर डालेंगे हम लोग, 4 स्पून शुगर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 टीस्पून नींबू का जूस ऐड करेंगे। यहाँ हमने 2 नींबू लिए हैं। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार
और पूरे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये फीलिंग रेडी है। अब हम लोग देखेंगे समोसे की फीलिंग भर के समोसा कैसा बनाना है। अब आपको एक पतली सी शीट में इस आटे को बेल लेना है, इसे बीच में से इसको कट करना है। अब आपको एक शीट लेके उसमें फीलिंग ऐड करनी है, ये जो समोसे का मिक्सचर है वो हम लोग ऐड करेंगे और इसके छोटे छोटे समोसे बनाएंगे। हॉट पॉट समोसे के लिए छोटे छोटे शेप के ही समोसे बनाएंगे। अब समोसे फ्राई करने के लिए यहाँ हमने ऑयल गरम किया है और इसे धीरे धीरे समोसे इसमें डालना है। लो फ्लेम पे समोसे को फ्राई करना है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसमें आराम आराम से समोसे को फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक आपको समोसे को फ्राई करना है। अब हम लोग एक प्लेट में समोसे को निकाल लेंगे। हॉटपॉट समोसे को असेंबल करेंगे तो हमने यहाँ पैन गरम किया है, उसमें समोसे रखे हैं, 3 से 4 पीस समोसे रखेंगे और ऊपर से तर्री डालेंगे और टोमेटो केचप डालते हैं इसमें। और इसे ढककर 2 से 5 मिनट के लिए गरम होने देंगे और ये हॉट पॉट समोसा रेडी है। इसे प्याज और हरा धनिया के साथ सर्व करेंगे।